बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों ने अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों आज मैं थानू 756 के बारे दसूंगा, वह राज 756 की सेहत का राज मैं थानू दसूँ। काफ़ी दोस्तों का खराब होया वा 756, तो आओ मैं थानू फसल दे विच ले आ के फिर उत्थे दिखाउना जी। दोस्तों ये आप राज अज तुहानू दसण लगे हाँ जीवन अपना 756 का। माशाल्लाह तुसीं फसल देख सकते हो, 3-3.5 महीने की है। तो यदा दोस्तों राज ये हैगा वा, ये ना तुसी 756 कोशिश करो इनू। जदों तकरीबन नवंबर का एंड सीगा ना दोस्तों, उदो मैं इनू फ्लड कीती सीगी, आप कह लो भी नाइट्रोफास ना, तकरीबन 20 बोरी एक एकड़ के हिसाब के नाल, ये 2 कनालों की फीड आ मेरी ये। तो इनू मैं फ्लड कीती सीगी एक एकड़ 20 बोरी के हिसाब के नाल। तो अगर तुम आप बना लो कि बनती है, 12-12.5 किलो बनती है तकरीबन। तो जी दोस्तों वो फ्लड की है, उस तो बाद तकरीबन फिर महीने बाद इनू जो पानी लगा सीगा दोस्तों, कितिया मैं सारिया इनू फ्लड आ सारिया मैं इनू फ्लड कीतिया वा। फिर इनू मैं किया अपना 7 किलो अमोनियम सल्फेट और तकरीबन 3 किलो पोटाश सीगी, ते कोई थोड़ा जहा सीगा अपना जी नाल सीगा अपना हुमक एसड। दोस्तों इनू फ्लड किया ड्रम दे विच पा के इनू फ्लड किया जड़ियाँ उत्तों। दोस्तों इहदियां सेहत दा राज जिहड़ा सीगा जितों मैनू ज़्यादा फायदा होया एंग्रो दा सीगा, लिबरल TMX एंग्रो कंपनी दा लिबरल TMX सीगा दोस्तों। वह सीगा उहदे आप 2 स्प्रेयां कीतियां ना, हालांकि कोरा पैंदा सीगा, मौसम धुंद भी सीगी, सब कुछ सीगा, धुप नहीं सी निकल रही, उहदे नाल इहदी माशाल्लाह बहुत सेहत बनी। तो फिर एक मैं जिंक का भी इहनू 200 स्प्रे किया, लेकिन जरूरत है नहीं सी जिंक की, लेकिन फिर भी मैं कर दिता। तो वो जड़ा एंग्रो का लिबरल TMX तो स्वाद एंग्रो का हेडलैंड मल्टी, ये दोनों दोस्तों बहुत अच्छे आ। असल जड़ा राज है ना वो हेडलैंड मल्टी तो एंग्रो का लिबरल TMX आ। वो मैं 2 स्प्रेयां कीतियां, वो बहुत दौड़िया दोस्तों, ये ग्रोथ माशाल्लाह जारी रही। तो जी दोस्तों जड़े आप आज थलले पत्ते काफ़ी दोस्तों की हले भी आँदी है जी, ये खराब हो रहा है, ये हो जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये उत्तों निकली जाने थल्यों सुकते जाने, पीले होंगे जाने, खराब होंगे जाने। तो ये दोस्तों यदा राज आ। तो बाकी हूँ इनू आप जिस तरह मैं थोड़ा जीवन का दसिया भी आप मल्च इनू किया वा, यदियाँ सैडा गुड़ा के यू सेंटर वाली खाली भी साफ करा के इनू गुड़ा के इनू हवा लवावे। तो दोस्तों इनू आप फरवरी का अज 1 फरवरी है, तो इनू आप कोशिश करांगे 10 फरवरी तक ना हर सूरत तुसी अपने अपने गालक नू जिहड़ा भी लाया दोस्तों, देसी लाया 756 लाया जिहड़ा भी लाया तुसी कोशिश करो उनू तुसी पूरा कर दिओ। अद्धी बोरी यूरिया ते 3 किलो फी एकड़ दे हिसाब दे नाल सल्फर ये फौरी तौर ते दोस्तों इनू पाओ, जिहड़ा 10 तरीक तक जिहड़ा पानी लगना वा जी, उस तो बाद जिहड़ा दोस्तों इनू तुसी करना वा देना वा अगली नैक्सट पानी दे उत्ते, नैक्सट पानी जिहड़ा 10 फरवरी तक तुसी पानी लाउणा वा उह च इह करो, जिहड़ा 10 फरवरी तो बाद तुसी फरवरी दे एंड ते पानी या फरवरी दे 20 तरीक तक पानी लगना वा, क्योंकि धुप्पां भी तेज़ हो जाणियां उदों पानी मंगना इहने। ते उहदे विच दोस्तों तुसी इहनू पा दिओ पोटाश, पावर पोटाश लै लो, वो पावर पोटाश 25 किलो का थैला आता दोस्तों, उन्होंने तुसी 20 एकड़ के हिसाब के नाल 12.5 किलो उन्होंने फलाटे करो। तो जड़ा आखिरी इनू पानी लगना वा दोस्तों 10 तो 15 मार्च तक लगना वा, कोशिश करो 10 मार्च तक, उस तो बाद ना लाओ। तो उस तो बाद जड़ा तुसी आखिरी पानी लाना वा उदों एक बार इनू फलाटे कर दौ, जी अद्धा थैला पोटाश का होना वो उन्होंने कर दौ। तो और मार्च के स्टार्ट दोस्तों एक बुरान का इनू स्प्रे करना, जिनी आप खुराक पत्तियां च दी हुई है वह सारी यदि जी थले चली जाएगी और यदा गंढा मोटा हो जाऊ इंशाल्लाह। ये दोस्तों सेहत का राज आ तो जरा मैं शेयर कर दिता। बाकी दोस्तों मेरी तो माशाल्लाह इनू 756 कोई बीमारी नहीं पई, अगर पई आ बारिशों बाद तो रिवर्स कर दौ तुसी अपना माइनोएसड दे नाल कोई भी लै लो, इजाबियान लै लो नंबर 2 ते तुसी लै लो, क्वांटस लै लो, उहदे च मिक्स करके ते एक दफा वो कर लो, एक दफा बदल के करना हर बारी दोस्तों, ये याद रखो बदल के करना वा, इक्को बारी नहीं करना, बदल बदल के करना वा। इनू एक बारी रिवर्स कर दो, एक बारी लियड कर दो बायर कंपनी का,
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ 756 ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ NPK, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪੋਟਾਸ਼ ਸੀਗੀ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਏਕੜ ਦੀ, ਅਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 300 ਗ੍ਰਾਮ NPK ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਆਮ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ੋਰਾਵਰ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 120 ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਪਰੇ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਹ ਫਰਵਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਖਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮਲਟੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਟੀ MX ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਓਕੇ, ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ।